जो गालियां दे रहे हैं उनका इलाज वोट की चोट से करो। कांग्रेस बीजेपी के पास बताओ मुझे कितना पैसा है, इनके पास कितने लोग हैं, इनके पास ये चिन्ह तो 5 साल पहले आया राजस्थान में, कमल का फूल आ गया 80 के अंदर, 80 को साल हो गए मेरे आपके 45 साल, और ये हाथ का चिन्ह भी शायद 84 के अंदर हाथ आया था, पहले कांग्रेस का अलग चिन्ह था फिर हाथ आया इंदिरा कांग्रेस। मैं फोन करता हूँ, आपका टिकट कट के आ रहे हो, 2 दिन और रुक जाओ, क्यों कि कांग्रेस में और नाव चले, बीजेपी कट कांग्रेस में, कांग्रेस में कट को अबे 2 दिन पर जवाब दो, ठापड़े पाची भाजपा जब पाचा निर्दलीय, अरे करो कहीं होता है तो बताओ यार, बम थाके हाथ मऊ रही जो कौन साहब, ये तो कहीं था रीस गणी आवे और ते हिसाब गणो लो बार बार, गड़बड़ तो कौन करी तो वो तो लेना ही पड़ी, आई तो व्यवस्था और कहीं मारे 3 MLA देख लो, सरकार जब गिर रही थी इन 3 विधायकों को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया अमित शाह और अशोक गहलोत ने, ये गए नहीं मुझे छोड़ के, जना 5 उम्मीदवार बनाया ना, बनाया और बनाया 5 उम्मीदवार। बहन इंदिरा बावरी जी भोपालगढ़ के विधायक, पुखराज जी गर्ग साहब यहां के किसान नेता, और हर समय हिमालय की तरह मेरे साथ खड़े रहे भाई मेघ सिंह जी चौधरी साहब, सम्मानित बोल दो क्या मंच, सम्मानित मंच, और छोटे भाई खेवसर के विधायक नारायण बेनीवाल, हमारे अलग अलग समाजों के जो गुरुजन पधारे भाई दीप जी केरली से सरपंच साहब, भाई राम सिंह उप प्रधान खेवसर, और सारे सरपंचगण जिसमें करीब करीब हमारे वर्तमान सरपंच है खेवसर विधानसभा क्षेत्र के, मुंडवा खेवसर और मेड़ता समिति के, और खेवसर के पूर्व प्रधान जिन्होंने अपना जोशीला उद्बोधन आपके साथ दिया भाई पूनाराम जी मेघवाल, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो आज मेरे लिए एक तरफ खुशी का दिन है, दिवाली का दिन, मैं आप सबको और आपके परिवार को, पूरे प्रदेशवासियों को, और खेवसर विधानसभा क्षेत्र के तमाम सर्व समाज किसान जवानों को, प्रत्येक परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, सुख समृद्धि और नई खुशियां आपके परिवार के अंदर दीपावली लेके आए और आने वाला समय आपका हो। दूसरा मुझे याद आ गया, आज ही के दिन 25 साल पहले आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि भी है, 1998 के अंदर उनका देहांत हो गया था, और उस समय मुझे टिकट मिला, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे कुछ चापलूस नेताओं ने उस फार्म को, सिंबल को समय पर नहीं दिया, जिसकी वजह से एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। मेरा फार्म इस देश के अंदर अगर किसी चुनी हुई पार्टी के, बड़ी पार्टी के नेता का फार्म खारिज हुआ, हनुमान बेनीवाल का फार्म था, तो बीजेपी पार्टी की लापरवाही की वजह से आज मुझे नई पार्टी बना के उस ओर संघर्ष के लिए धकेल दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाल थी। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि बठारा के अंदर मैं आया था, उससे दुगना जोश 23 के अंदर खेवसर विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज मेरे भाइयों के अंदर। नामांकन रैली के दौरान मैंने आपको कहा था कि 18 की जो नामांकन रैली थी और 23 की नामांकन रैली, उसमें दुगना जोश था,
और क्योंसर कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जितना जोश 18 में था उससे दुगुना जोश आज 23 के अंदर आपके अंदर दिखाई दे रहा। आप राजस्थान फतेह करने के लिए निकले हुए हो। इस बार आरएलपी अकेली नहीं लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी, छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा के दलित शोषित किसान के हाथ में सत्ता की चाबी छोंपना चाहता है। भाइयों, इस प्रदेश में बड़े से बड़े नेता हुए, कभी पार्टी बना के उन्होंने प्रयास नहीं किया। अगर वो पार्टी बना के प्रयास करते और उनकी वो पार्टी अगर हमारे हाथ लग जाती तो हम कभी का सत्ता के अंदर आपको लेके चले जाते। दुर्भाग्य से वो संघर्ष भी मुझे ही करना पड़ा। खेउतर का विधायक 2003 में मेरा टिकट था, भाई जनता पार्टी के अंदर में था। सिर्फ बात इतनी सी थी कि मैं वसुंधरा के विरोधी खेमे के लोगों के साथ था और वसुंधरा चाहती थी कि हनुमान मेरे खेमे में आए और मुझे प्रणाम करे और मैं उसको टिकट दूं। मैंने कहा मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं, मैं पाड़ा नहीं बदलता, टिकट मिले या नहीं मिले। तब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खेउसर की मुंडवा क्षेत्र था, वहां से मैं प्रत्याशी बना, चुनाव लड़ा और उस समय भी करीब 36-37 हजार वोट मिले। उस समय अगर फिल्म एक्टर धर्मेंद्र हेमामालिनी जैसे लोग नहीं आते तो उस समय 2003 के अंदर में विधायक बन जाता। 2003 के आठ के अंदर नई खेउसर बनी, 1 लाख वोट हमारे आए जो नेशनल हाईवे के साइड के हैं और 1 लाख बिल्कुल नए वोट थे। जब 8 में मैं आपके बीच आया था, मेरी इच्छा थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, लेकिन आप सबकी इच्छा थी। मैक सिंह जी भी थे, अभी जो मेरे सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा बीजेपी से, वो भी उस समय मेरे साथ थे। इन सबकी इच्छा थी कि एक बार बीजेपी से लड़ना है। मैक सिंह जी ने कहा था शायद कि निर्दलीय भी लड़ लो उतनी वोटों की जीत है। सबकी इच्छा थी कि बीजेपी से लड़ लो, अपनी पार्टी में पहले रहे, बीजेपी से चुनाव लड़ा। आप सबने मुझे कहा, जब मैं प्रचार के अंदर खेउसर क्षेत्र के गाँव के अंदर गया था तो आपने कहा था ये कांग्रेस का बेल्ट हनुमान जी, यहां सिर्फ आपको और आपके परिवार पर भरोसा करके हम आपको वोट देंगे। हम जो फूल का चिन्ह लाए हो उस फूल के चिन्ह को वोट नहीं दे रहे हैं, हम इसे हनुमान बेनीवाल और किसान मान के वोट दे रहे हैं। अगर आप सेवा करोगे तो हम आपका लाइसेंस रिन्यू करेंगे और आप सेवा नहीं करोगे तो वापिस आपको घर बिठा देंगे। जब मैं 8 के अंदर आया था 50 हजार से ज्यादा ढाणियों के अंदर अंधेरा था, बिजली नहीं थी। 8 में विधायक बना, कांग्रेस की सरकार बन गई और 2 महीने बाद ही वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया और लोकसभा चुनाव के अंदर जो अभी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, हमारी पूर्व सांसद थी, उसको टिकट दिला के मैंने उसकी खुले मन से मदद करी, उसे लोकसभा के अंदर भिजवाया था। भाइयों, 8 से 13 का जो संघर्ष था उसके अंदर मैंने प्रयास किया, खेउसर की प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली आए और हमें नहर का मीठा पानी पीने को मिले। उस समय कांग्रेस के 4 विधायक थे, डीडवाणा जायल, मकराणा, नामा और लाडनू के अंदर जो निर्दलीय थे वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे और हम जो विधायक थे नागौर बीजेपी, खेउसर बीजेपी, मेड़ता बीजेपी, डेगाना बीजेपी और परबतसर बीजेपी, तब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मुझे वो जंग लड़नी पड़ी। 5ों कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि जो पानी नागौर की धरती पे जा रहा है पीने का, उस पानी को नोखा से जायल डीडवाणा और कांग्रेसी विधायकों के इलाके से निकाल के और बाद में खेउसर की तरफ लाया जाएगा।
तो मैंने विधानसभा के अंदर कहा था जब तक हनुमान बेनीवाल जिंदा है पानी नागौर खींचर होके ही आगे जाएगा, पानी को आगे नहीं जाने दूंगा। और उसी का परिणाम था कि आज जो नहर का पानी आप पी रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा पानी 24 घंटे मिल रहा होगा, लेकिन शुरुआत करी। पहले नागौर खींचर के गाँव के अंदर पानी आया, पानी मेरे पूरे जिले को चाहिए था, लेकिन जो जिस हिसाब से पानी की योजना बनी थी उस योजना को नहीं ले जाके उसके बाद दोबारा जब मामला था तो पूरे जिले को पानी की जो शुरुआत थी, आज भी दुर्भाग्य से पूरे जिले के अंदर सिंचाई का पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज भी हमारी कई डाणियां पीने के पानी से वंचित है। आपको याद होगा जब 18 के चुनाव थे हम आपके बीच आए थे, कहीं कहीं गाँव के अंदर जाएंगे तो एक बात लोग जरूर कहेंगे कि कुछ न कुछ साहब डाणियां बाकी रह गई, डाणियां तो जुड़ गई लेकिन कोई डाणी दो है, कोई तीन है, कोई पांच है, वो बाकी रह गई। और हमने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक डाणी के अंदर जब चुनाव आएंगे तो लाइट होगी। 2-2.5 साल पहले जब सौभाग्य योजना जो दिल्ली सरकार की थी, जब आपने मुझे सांसद बना के भेज दिया, उस सौभाग्य योजना से अजमेर जोधपुर डिस्कॉम पूरा पैसा अजमेर जोधपुर ने खर्च नहीं किया और दिल्ली का पैसा वापिस चला गया, सौभाग्य योजना खत्म हो गई। हमारे सामने संकट था, जो हमने वचन दिया लोगों को जब चुनाव में जाएंगे तो ढाणी ढाणी के अंदर बिजली कैसे आएगी, उन गरीब परिवारों की ढाणियां, कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे एक घर अगर आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तो वहां भी लाइट आएगी। मैंने प्रयास किया, संघर्ष किया और दिल्ली में लड़ाई लड़ी, राजस्थान की सरकार को मजबूत किया, मैंने कहा लड़ो लड़ो लड़ो, और दिल्ली में प्रयास किया। उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली से पैसा वापस लेकर आ गया पैसा और ढाणियों के अंदर आपके सारी बिजली लग रही है। आप ये मत कहना कि अभी सारी सारी लाइट हो गई, लेकिन पोल लग गए, तार आने लग गए, ट्रांसफार्मर चालू है, लेकिन लोग शिकायत करते तो रुक भी सकता काम एक दो दिन। हिम्मत रखें, जो काम चालू हो गया वो पूरा होगा। अब की बार आपने एक चीज और देखी होगी कि खींचर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के बहुत काम हुए, तब लोगों ने मेरे पर आरोप लगाया कि अशोक गहलोत से मिला हुआ हूं मैं। मैं अगर अशोक गहलोत से मिला हुआ होता तो गहलोत के बेटे को एमपी का चुनाव नहीं हरवाता, आप भी जानते हैं तो बेटे को एमपी का चुनाव हराया। मैं वसुंधरा से मिला हुआ होता तो वसुंधरा झगड़ा नहीं करता। मैं मोदी से मिला हुआ होता तो सत्ता छोड़ के सड़कों पर इस तरह नहीं भटकता। मैं मिला हुआ किसी से नहीं हूँ। हाँ ये सही बात है कि मेरा कागज अगर कहीं जाता है तो सरकार उस कागज का सम्मान करती है। मिला हुआ थोड़ी हूँ, काम तो होगा ही मेरा, पर काम इसलिए होगा, सबको पता है कि हनुमान जी को अगर छेड़ लिया तो घोटा उनके पास गड़बड़ कर देंगे, ये काम हो जाता है तो काम हो जाता है। मिला हुआ थोड़ी हूँ, काम तो होता ही है। और काम तो जो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, हम उनको ये थोड़ी कहते हैं आपने वोट नहीं दिया, आओ साहब पधारो, क्या काम है, लगाओ फोन। कई नेता कहते हैं थे मैंने वोट कौन दिया, थे हमारे घर क्यों आया, क्यों अच्छी सोच होती है, अच्छी मानसिकता का लोग ये बात करते हैं। हम ये कहते हैं जिन्होंने इस बार नहीं दिया वो अगली बार देगा, अगली बार नहीं दिया वो अगली बार देगा। कोई हम एक थोड़े थोड़े रहे खड़ा होना है, तो काम ही हमारा ही है, हम तो काम रख ही रहे हैं, तो वोट तो आपकी चाहिए, नए वोट लाएंगे कहां, हमारा तो एक वोट है। तो इस भावना के साथ प्रयास किया, परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें आई है वो खींचर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर है। अभी 300 किलोमीटर सड़क का एक और बड़ा लोड, 400 किलोमीटर सड़क का एक बड़ा लोड किसी भी दिन आ सकता है। अब आप ये मत कहना कि हाथों हाथ चालू हो जाएगा, टेंडर भी होंगे उसके अंदर। जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें खींचर विधानसभा क्षेत्र की है 160 किलोमीटर, कोई सड़क सिंगल नहीं रहेगी। बिरलोका से लेके कुर्ची हमारा जोधपुर का बैर जी बैठे, बॉर्डर धनारी का सारी सड़क होगी, नागड़ी से कुर्ची की ओर, नागड़ी से पांचला की ओर, पांचला से पांचुड़ी की ओर, बिरलोका से खटोड़ा की ओर, चावंडिया से गणपत जी के भेड़ होते हुए टांकला की ओर, चिमरानी से मुंदियाड़ संकवास की ओर, संकवास से असावरी, जो जो सिंगल रोड है तमाम सिंगल रोड है, आने वाले 1.5-2 महीने बाद डबल हो जाएगी 5.5 मीटर। और जो दिल्ली का और पैसा आ रहा है सीआरएफ का, एक दो जगह सड़कें गड़बड़ बन गई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ठेकेदार रहे या नहीं रहे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़कें ठीक कराऊंगा पूरी। आप ये क्यों मान रहे हो,
एक जगह फोन आ रहा साहब सड़क में खड्डा है, थारों का लिए मैं बैठे हुए, खड्डे भी भर जाएंगे, ठेकेदार का दिमाग भी ठीक हो जाएगा, चिंता छोड़ दो, सड़कें बनानी भी जरूरी थी, खड्डे खोद के चले गए, लेकिन सड़कें आनंद फन में ऐसी बना दी, तुड़वा के वापिस बनवा रहा हूँ सड़कें, सरकार में नहीं हूँ, सरकार में नहीं हूँ, कोई जाँच करवाता हूँ 10 आदमी सामने खड़े हो जाते हैं, जाँच नहीं कराने देंगे, सरकार मेरी नहीं है, प्रयास करता हूँ। मैं परबतसर से एक बार आ रहा था भेरूंदा, वहाँ 2 MLA लगते हैं, एक परबतसर के MLA लगते हैं और एक डेगाना के MLA लगते हैं, मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, एक बार मैंने खुद देखा, पानी के अंदर सड़क बह गई थी, खेतों में सड़क थी, अरे मैं की तो सड़क खेतों में बोलता, अभी भी बनी थी, खेतों में चली गई। मैंने एक चिट्ठी लिखी, शिकायत की उस सड़क की, टीम आई तो गड़बड़ हो गया मामला, विधायक भागे, बाकी कहा साहब हमारी जांच क्यों करा रहे हो, बोले जांच तो होगी, MP साहब ने शिकायत करी, मैं शिकायत भी नहीं करता, अगर मुझे सड़क पानी में नहीं दिखती तो मैं शिकायत छोटी मोटी होती तो निकल जाता, तो सड़क ही चली गई यार, कमाल हो गया, सड़क बनाई, सड़क पानी में बह गई, और विधायकों का इतना आशीर्वाद उस ठेकेदार को दोनों का कि जीत करके बैठ गए कि ठेकेदार का कुछ नहीं होने देंगे, MP साहब कितना ही जोर लगा लो हमारी सरकार, लगा लो भाई, मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है, उस सड़क पर मैं भी जाऊँगा, उस सड़क पे कांग्रेस को जो वोट दिए वो भी जा रहे हैं, जो BJP को वोट डाले वो भी जा रहे हैं, आखिर पैसा तो जनता का है, टैक्स हमारे पे लगा है, टोल दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें दे रहे हैं, फिर भी सही सड़क नहीं है, उन विधायकों को मुझे नहीं लगा कोई बहुत बड़ा कोई उनका स्वार्थ होगा, लेकिन ठेकेदार ने उनको कैसे मैनेज किया, क्या हुआ कि वो धरना दे के बैठ गए, सड़क मैंने वापिस बनवाई, अब एकदम नहीं बनी वो सही, लेकिन फिर भी सड़क बनी और ठेकेदार का कुछ इलाज भी हुआ। यहाँ मैं आपको स्वार्थ दिलाता कि खेउसर नागौर और आसपास के इलाके की तमाम सड़कें जो गलत तरीके से बनी हैं उनको सही कराएंगे। मैंने खेउसर के साथ साथ सांसद बनने के बाद जो नागौर में आप पुल देख रहे हो, नागौर में देखिए एक दिन में सारे काम नहीं होते, ठेकेदार आते हैं एक साल तक भाग जाते हैं, कोर्ट से इस्ते ले आते हैं लोग, कोर्ट का इस्ते तुड़वाने में करने में बहुत समय लगता है, सरकार हो तो जब तो चलो कोई इस्ते के अंदर भी सरकार चाहे तो कुछ भी कर दे, सरकार का क्या कंटेंप्ट की पैसे पड़ती है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया और नागौर में 100 करोड़ का काम अभी आप देख रहे हो, नागौर में नागौर से गोगलाव 6 किलोमीटर और मानासर पुलिये से बल्लभ चौराया 4 लेन सड़क बनेगी, जैसे जयपुर दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर बनती है, और यही दो नहीं आपकी चिमरानी से लेके मानासर फाटक तक, अट्यासन से लेके बल ये आपका मुंडवा तिराया, पुराना हमारा बाईपास था जहाँ मिर्ची बाजार लगता है वहां से लेके कृषि मंडी और फ्लाईओवर पदमसर का आपका सेंक्शन होकर काम चालू हो गया, फ्लाईओवर का 2-5-7 दिन में कभी भी उसका मुहूर्त हो जाएगा, भाकरोड भी ठीक करवा रहा हूँ इसको, सरपंच साहब बैठे हैं भाकरोड वाले, कुचेरा खजवाना मूल जी रामेश्वर जी बैठे हैं जहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए, आप हमें कहते हो लेकिन फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, कौन देगा पैसे बताओ मुझे, दिल्ली की सरकार से प्रयास किया और वहां के मंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, है तो बीजेपी पार्टी के, मुझे पसंद करते हैं शुरू से, मैं पहले बीजेपी में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, कि हमारे संबंध छोटे मोटे काम कर लेते, मंत्रियों के लिए तो छोटी सी बात होती काम करना, आपके ये फ्लाईओवर भी सेंक्शन हो गया कुचेरा खजवाना का, इसको भी जल्दी चालू करा देंगे, रेण की जो फाटक बताओ मुझे, रेण मेरे इलाके में थोड़ी आता, मेड़ता में आता, मेड़ता हमारी है, मेरे तब बनी 15 साल से आप देख रहे हो रेण की फाटक में कितना जाम लग रहा है, फाटक में जाते हैं और हर आदमी गाली देता है और वो पाप कद कटी पुल कद बनी फलाना कद हुई है, प्रयास किया उसका काम भी चालू हो गया, 1-2-4 दिन में कभी भी चालू हो जाएगा, 6-8 महीने के अंदर वहां आपको पुलिया नजर आएगा, खाटू आपका आप चले जाओ ये कटौती के बाद बांटड़ी कालवा बोरावड़ जितने भी जिले के अंदर और ब्रिज और अंडर ब्रिज RUB इन सब का राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा निर्माण होगा वो नागौर जिले में केंद्र का सबसे ज्यादा पैसा लगेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि MP का चुनाव जब तक आएगा तब तक नागौर के अंदर आप काम की जब गणना करोगे तो आपको लगेगा कि बाकी सांसदों से हमारा सांसद काम में भी ठीक है और लड़ाई में भी ठीक है। देश में 2 लड़ाइयां हुई, एक किसान आंदोलन जिसमें हमारे सांसद ने किसान कौम के सम्मान के लिए सत्ता छोड़ी, 70 दिन सड़क पर बैठा,
और किसानों का सम्मान बढ़ाया। जब देश का जवान संकट में था, जब देश के जवानों को आर्मी के अंदर जी जज्बे के साथ जाते हैं, जब सेना को ठेके पे दे दिया, तभी छोटे भाइयों को सुध लेने वाला कोई नहीं था। कहने को तो कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मुझे एक बच्चा बता दो जिसको मैंने बिगाड़ दिया, एक बच्चा बता दो तेजाराम जी, एक बच्चा बताओ जिसको मैं ये कहता हूँ कि तू शराब का काम कर, तू डोडा का काम कर, तू जमीन पर कब्जा कर, किसी को कहा तो बताओ मुझे आज तक कहा है क्या कभी? मैं तो ऐसा ज्ञान देता हूँ, मेरा ज्ञान अगर ले ले तो आधा जीवन उसका वैसे ही सफल हो जाए। मुझे देख लो, खाली पढ़ लो एक बार। कभी गलत काम के लिए नहीं मैं कहता, नहीं करता हूँ। और हाँ, छोटे मोटे काम अगर आप लोग आते हो तो मुझे करने पड़ेंगे। छोटे मोटे काम नहीं करूँगा, मुझे कौन पूछेगा बताओ? अगर कोई छोटा मोटा कर भी लेता उसको कहता हूँ दोबारा बदमाशी मत करना, एक बार अपने घर जाओ, काम करो, माता पिता का नाम रोशन करो और अच्छा काम करो। जब देश के जवानों पे आर्मी, जिसके अंदर सब ज्यादा हमारे जो इलाके हैं शेखावटी मारवाड़ के इलाके, सबसे ज्यादा हमारे जवान सेना के अंदर जाते हैं, सेना को ठेके पे दे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2,00,000 जवानों की रैली करके संदेश दिया मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली को घेरने के लिए। परिणाम यह हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% जो अग्निवीर आर्मी में रखने की बात थी, 75 को वापस भेज रहे थे, वो 50 वापस आर्मी के अंदर रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस बार इस राजस्थान के चुनाव के अंदर 50 से ज्यादा सीटों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक नंबर की ओर बढ़ रही है। अगर उन सीटों पे आपने जबरदस्त आशीर्वाद दे दिया और लोकसभा चुनाव से पहले आपने एक हुंकार दिल्ली की ओर भर दी, तो अग्निपथ की योजना भी वापस करवा देंगे। अग्निवीर भाई जिसने अभी शहादत दी पंजाब के अंदर, उसकी बॉडी लेके किस तरह 4 आदमी आते हैं एम्बुलेंस के अंदर और बॉडी घर पे रख के, देखा आपने सोशल मीडिया पे क्या? नहीं देखा था? तब आपने कहा हनुमान जी मेरी याद आई ना आपको, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है, बाकी तो मोदी की गोदी में बैठे हैं सारे। एक व्यक्ति है जो सत्ता छोड़ के सड़कों पे जवान किसान, बढ़ती महंगाई, वो लोकसभा के अंदर कहता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 2014 में जो थी जब एनडीए की सरकार बनी, वो कीमतें 2014 से कम करो, हम टोल भी दे रहे हैं, बड़ी हुई दरें भी दे रहे हैं और टूटी सड़कों पे हमारे वाहन भी टूट रहे, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कौन सी सरकार है आपकी जो ये कहता है कि राजस्थान के अंदर ईस्टर्न कैनाल ERCP लागू करो, जो ये कहता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, जो ये कहता है कि 80% स्थानीय जहां भी हमारी चाहे सीमेंट हो, चाहे तेल हो, चाहे दूसरे उद्योग हो, बाड़मेर से भिवाड़ी तक के जो हमारे कारखाने हैं वहां 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को 80%, तब जाके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जहां पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, परीक्षाओं में पारदर्शिता, RPSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग जिसका बंटाधार हो गया, देश के अंदर सबसे बड़ी बदनामी हमारी राजस्थान की हुई, राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक लगा, जिस तरह हमारी छोटी बालिकाओं बालकों के साथ दरिंदगी की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हुआ, कौन सुधरेगा इस राजस्थान की? राजस्थान की सुध आप लोग लोगे। इस चुनाव के अंदर वोट की चोट से आप लोग संदेश दे दो दिल्ली तक कि हम तो उनके वोट मांगने जाऊं क्या बाहर, जिन लोगों को खड़ा किया बताओ आप? अब जो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ हुआ नहीं, आज ही हुआ जुगाड़। पहले देख हेलीकॉप्टर लगा वही धोखा देके भाग गया हमारे को, बताओ आया था पूरा दिन खा गया भाग गया वापस स्विच ऑफ, क्या करें बताओ? टिकट बांटे हैं आपकी सेवा करें, उसके पीछे भाग गया हेलीकॉप्टर। आप भी मत सोचना कि लोग आपको ही धोखा दे रहे हैं, लोग हमें भी धोखा दे जाते हैं, तो काम है लोगों को, मौका लगता है वो धोखा दे देता है, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं मेरी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। हो सकता है कि कई बार छोटा मोटा हैंग हो गया होगा और आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप मेरे भाई हो, मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हो, मेरे RLP परिवार है, आपको पता है अकेला व्यक्ति लड़ रहा है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, भूखा प्यासा
हमारे समाज की किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, वो हमेशा उन तमाम ताकतों से लड़ रहा है, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और माफियाओं से लड़ रहा है, चाहे बजरी माफिया हो, पर्यटन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, टोल माफिया, वो लड़ता रहता है और लड़ते लड़ते भी हमारी सेवा करता है 5 साल के अंदर। वैसे आपने मुझे बहुत कुछ दिया, क्यों सर में 8 में जिताया आपने, 13 में जब नागौर की 9 सीट बीजेपी की थी आपने भारी वोटों से मुझे जिता के विधानसभा में भेजा, 14 में मैं लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्यों सर में आपने नंबर 1 रखा, कांग्रेस पार्टी की जमान जब्त आपने क्यों सर क्षेत्र के अंदर कराई थी उस समय, 18 में फिर आपने जिताया, मैं प्रचार करने आपके बीच नहीं आ पाया था, आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप जाओ हम क्यों सर संभालेंगे, 19 के अंदर फिर लोकसभा में 55,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकला और फिर मेरे छोटे भाई को जीता के संदेश दिया, ये खींचर की धरती है, यहाँ कोई भी आ जाए सरकार से आम जनता लड़ाई लड़ेगी, और भाई को चुनाव भी मैंने आपके कहने से लड़ाया था, मेरी इच्छा कम थी, आपने कहा था या तो अपने घर से भाई को लड़ा लो और हम सीट कांग्रेस पार्टी को दे देंगे, तब मैंने आपका मान सम्मान रखा, आपकी बात रखी और मुझे लगता है कि 5 साल में इसने आपकी सेवा की होगी, प्रयास किया होगा और कम से कम आपको लड़ने का काम आपस में नहीं किया, जोड़ने का काम किया, और हर व्यक्ति यही कहता है कि नारायण जी सीधे हैं, हनुमान जी थोड़े सीधे कम हैं, सीधे तो हैं थोड़े से कम हैं सीधे, देखो एकदम सीधा हो तो काम कैसे होगा बताओ मुझे, काम करने के लिए तो अंगुली को भी टेढ़ी करनी पड़ती है, घी नहीं निकलता, तो मैं तो आजकल देखो सीधा होता जा रहा हूं दिनों दिन, आपने अरे भाई सुनो एक मिनट प्लीज बीच में खड़े हो, दो मिनट, मुझे पता है दीपावली का त्योहार है, सबके घर से फोन आ रहे हैं, भेगाओ फटाका लाना टापरांग, फटाका ले आओ टापर उठी गया, रुको तो एक बार 5 मिनट रुक जाओ, अब आपने कार्यक्रम खुद ही तो रखा है, मैं तो कह रहा था 1-2 दिन आगे पीछे रख दिया, रख दिया तो 5 मिनट पूरी बात 5 मिनट में समाप्त करूंगा। आजकल आप सोशल मीडिया पे रोज नेताओं के बयान देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कितनी गाली लोग मुझे दे रहे हैं बताओ मुझे, क्या मैं इतना सीधा हो जाऊं, होना ही पड़ेगा, आप क्या आप बताओ मुझे, क्योंकि मैं टेढ़ा हूं तो आप कह दो कि गुस्सा करते टेढ़ा हो जाता, तो अब ऐसा करो जो गालियां दे रहे हैं उनका इलाज वोट की चोट से करो, कुछ लोग मेरी नकल कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ रह के 4 आदमी जानने लग गए, तो बोले हम तो हनुमान जी बन गए बातें करना चीते करने, लेकिन पूरी कहानी समझ नहीं पा रहे, हल्की भाषा का प्रयोग करने से आदमी बड़ा नहीं होता, पहले चुनाव जीतना पड़ता है, फिर और जीतना पड़ता है, 5-5, 6-6, 7-7 बार जीता दिया मुझे आपने, फिर भी आप अभी के आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हनुमान जी सबको साथ लेके चलते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, ऐसा राजस्थान का तो कोई समाज नहीं जिसके लिए मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, मेरी अभी आप देख रहे हैं सूची एमएलए के जो टिकट मैंने बांटे हैं, करीब 81 टिकट मैंने बांटे थे 83, जिनमें 2-3 बदमाश तो सिम्बल जमा नहीं कराए भाग गए, सेट हो गए थे बीच में, और 5-4 सेटिंग करके फार्म उठा के भाग गए थे, देख रहे हो क्या करें बताओ मुझे, अब कोई मशीन तो है नहीं मेरे पास, 5 आदमी गारंटर आते हैं, मशीन लगाऊं पता लगे तब तो पता लग जाए, गारंटर भी रह जाते हैं स्विच ऑफ करके भाग जाते हैं, किसकी गारंटी लें बताओ, जिनको हम खुद तैयार करते हैं, जिनको खुद साथ रह के ट्रेनिंग देते हैं, जब वही सामने हो जाते हैं तो अगला तो सामने होगा उसका क्या कर सकते हैं, ये जो मेरी लड़ाई है ये मंत्री की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता के सिंहासन किसान कौम का कब्जा कैसे, ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल की, इस लड़ाई के अंदर अगर मेरा कोई सच्चा हितैषी तो मुझे छोड़ के थोड़ी जाएगा, वो तो मेरा साथ देगा, ये मेघ सिंह जी बैठे प्रधान का चुनाव लूज कर गए थे कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुद को पीड़ा थी, मैंने कहा था कि आप चुनाव नहीं आ रहे हो, मैं मौके पे था, ऐसे नहीं कि इनको खड़ा कर दिया छोड़ दिया, मौके पे था, ट्रांसफर उठा के ले जाते हो तो कई तो बिना ऑफिस जाए सीधा ही ले जाते हैं, ऑफिस के बाहर ले जाए उठा, तो ये मैंने प्रयास किया, ये मैंने जागृत किया आप लोगों को, मुंडवा के अंदर मैं 15 साल पहले बता दूं आपको, मुंडवा के अंदर 2-3 लोग थे, वो ट्रांसफार्मर की गाड़ी अपने घर ले जाते थे और घर से ट्रांसफार्मर बांटते थे, रामेश्वर जी आपका भाड़ा में रखता, उनकी दुकानें बंद कर दी सर,
नए लोग आ गए, नए नेता तैयार हो गए। कितने नए नेता तैयार हुए बताओ मुझे? दलाल खत्म हो गए खींवसर मुंडवा नागौर के अंदर, इस जिले के अंदर जो किसानों को लूटते थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक दिन में मैंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, प्रयास कर रहा हूं। तकलीफ तो राम जी में पड़ी थी, पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? अगर वो हिम्मत हार जाते तो, मैं तो बहुत हिम्मत वाला आदमी हूं आप जानते हो, मेरा इतना बड़ा जज्बा है कि खींवसर का विधायक होते हो, जब आपकी तकलीफ देखी राजस्थान के किसानों की, मैंने कहा हुंकार भरूंगा, मेरे भाइयों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त कराऊंगा, नई नौकरियां लगाऊंगा, और हुंकार रैलियों के माध्यम से देश के अंदर इस कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा मिली तो खींवसर के विधायक के संघर्ष से किसानों को कर्ज माफी का आंदोलन देश के अंदर हवा मिली थी। उसके बाद नई पार्टी का निर्माण करके उस पार्टी को मान्यता दिलाना, मोदी से सीट छुड़वा के बाड़मेर की जो सीट थी मेरे खाते की सीट बीजेपी के मेरे उस मित्र को देना जो मेरी पार्टी के सामने थर्ड नंबर था, उसको सीट दिला के केंद्र में मंत्री बनो, कर सकता कोई इतना काम बताओ मुझे? लोग तो खुद बनने के लिए घूमते हैं और मैं लोगों को बनाने के लिए घूमता हूं। मैंने 5 साल के अंदर कितना कुनबा बढ़ाया, परिवार बढ़ाया बताओ मुझे? एक विधायक, 3 MLA, 1 MP, 5 प्रधान और 1 म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन भाई सुभाष कंदो ये हमारे बीच बैठे हैं, जो भाषण दिया था उन्होंने। लोगों ने कहा ये तो गांवों की पार्टी RLP, शहर में भी सुभाष कंदो ये बैठे हैं, शहर में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परचम फहराया। उपचुनाव के अंदर बल्लभ नगर से लेकर सरदार सिर तक, दुर्भाग्य देखिए बल्लभ नगर में जिस व्यक्ति के लिए मैं 15 दिन रहा उसको वोट डलाए, 50,000 रुपये लेके गया, वो भाजपा में चला गया, देखा आपने भी। और अकेला चला नहीं गया, मेरी 15 सीट खराब कर दी। मेवाड़ का प्रभारी था, 15 लोगों को कहा कि हनुमान जी के साथ चलना, मैं टिकट दिलाऊंगा, स्विच ऑफ करा के सबको कहा चलो बीजेपी के अंदर, तो ऐसी। और सरदार शेर वाले को टिकट दिया, उसने सेटिंग करी और मेरा फार्म उठा लिया वापस। अब कैसे कैसे लोग मिलते हैं धरती पे बताओ मुझे, क्या करें? सब जगह मैं थोड़ी लड़ूंगा जाके, किसी न किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, इसलिए खींवसर से ही फार्म भरा मैंने दोबारा कि खींवसर से लड़ूंगा चुनाव, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा अगर राजस्थान के अंदर है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र पे है, कि मैं फार्म भर दूंगा तो खींवसर की जनता अपने आप चुनाव लड़ेगी और भारी वोटों जीता के मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेगी। ये भरोसा हनुमान बेनी वाला अगर करता है तो विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ, जिन्हें लगातार 7 बार मैं रहा या नहीं रहा, चेहरा मेरा भाई था या कोई और था, आपने मेरा सम्मान रखा, तो दोनों हाथ खड़े करके एक दो बता दो कि थे चाहो गाँव गाँव फिरना तो मारूं बैठे लोगों ने, पहले बताए दो थाने, वो थाने करना पड़े लोग काम संभाल लोगे ना? अरे आज मैं ये मोदी ने किया बात करना है कि मोदी माँ को फोन कौन उठाया था, मैं उठाऊ बजे तो बीजेपी को मोदी धनी है तो मैं RLP को तो मैं ही हूँ धनी भाई है कहीं क्या थाने कहीं जोर आवे शायद हेलीकॉप्टर जोर तो अभी रुपये कितना लगे हेलीकॉप्टर साहब 15-20 लाख रुपया रोज का लगे हेलीकॉप्टर का वो कौन ही जुगाड़ हाल रात हो मुश्किल हो आधा दिन उधार में चले हाल तो मामला पहले होता मैं घूम लेता राजस्थान के अंदर वो रथ लेके आया था वो भी भाग गया साला रथ वाला पाचो एक और पकड़ लिया पुराना रथ खचर खचर देखे तो क्या लगता सारी तकलीफ मेरे ऊपर ही पड़ गई सारी तो तेजा जी महाराज की कृपा है मैं सुख जी कह रहा था मैं कि तेजा जी कृपा मेरे ऊपर ही है वचन और बलिदान जहां बलिदान किसान को मांगेगी सबसे पहले मैं बलिदान दूंगा जरूरत नहीं है कि फलान जी आए बयान देने वाले देखा ना आपने 20 साल तो आपको देखते हो गई मैं तो एक काम करूं कि मैं ये तय कर लूं अब कि मैं लोगों को बनाना छोड़ दूं अब है ना क्यों बनाऊं जो कोई हम हो जाते कल है फोटो देख रहे हो 15-13 जना मारा बनोड़ा हम बाचन दे मार दो मैं क्या शर्मी को नहीं कहीं कराना बताओ आगे जरूरत पड़े पगम पड़ जाए और जरूरत निकली और हम हो जाए अरे एक छोड़ो मैं 13 बता रही हूँ एक ही करो दादो बात तो मन लागे मारे लेनी हो था ज्यादा जगह ने बनाए दू निकलो ए सुनो ए दीप जी रे बड़े नौकों प्रचार करना हो मारो ए बड़े कांग्रेस तो करे RLP करे हाँ अरे सुनो
वो तो क्या कि अपने ही हल्के अपने ही ट्रेनिंग लेके निकल गए, निकले नहीं, लोगों ने निकाल दिया। लोग रोज अरे थे हैं टारो थारी वजह में हनुमान जी नेता बनिया, थारी वजह में अंठावन परिवार तो सन 57-60 में थे हागत बैठे हैं, कठा थे बताओ थे हैं। भंवर जी बताए थे धन कड़ाई भाषण में अगली बात, मतलब आदमी किस तरह विरोधियों के चक्कर में चढ़ जाए उसको खुद को ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, मैं कैसा भी हूँ, आपको छोड़ के थोड़ी गया, जाऊँगा भी नहीं, कभी आप नाराज भी हो जाओगे तो लोग जाए सो जाओ 4-6 घंटा पास ठीक हो जाओ और कहीं तो ही लागे टाइम। मेरे हिसाब से तो मेरे से कोई नाराज नहीं, छोटी मोटी बात है मैं फोन करूँ कहीं बात है, फोन नहीं उठेगा बात आगा तो फोन तो कर दी मात बात। थोड़ा सा आप एक चीज का ध्यान रखो कि लड़ाई बड़ी है, 115-120 हम भी नहीं जीत रहे, आप भी जानते हो 50-55 में जोरदार फाइट है, मजबूती दिखा दोगे और ठीक सीटा जीत गई। मैं कहूँ सीटा बढ़िया जीत गई, राज अगर हमारे बिना नहीं बनियो तो समझ लो राज थार खुद को आएगो, बट बोले 15-25-30 वो राज जो बनाओ वो ही राज है, बोले 150 और 125 तैयार रहो और राज आएगो, मैं बात कहने की जरूरत को नहीं अपने आप। एक हम बिजली गिर पानी रहा तो थी लाड़ छूटे रोजी ना बिल भरना करना तो लाड़ छूटे थे काम कर ही जाऊँ, और भी काम तो करूँगा ही छोटे मोटे काम तो आप देख रहे हो, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो टीम है ना मुझे बड़ी मजबूत टीम मिले और मजबूत टीम से सत्ता पे कब्जा होता है। टीम मेरी जो है वो ठीक है लेकिन उससे और ज्यादा पूरे राजस्थान को फतेह करने की हम बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान को फतेह करने के लिए एक मजबूत संगठन और टीम की आवश्यकता होती है। कांग्रेस बीजेपी के पास बताओ मुझे कितना पैसा है, इनके पास कितने लोग हैं, इनके पास ये चिन्ह तो 5 साल पहले आया राजस्थान में, कमल का फूल आ गया 80 के अंदर, 80 साल हो गए मेरे आपके 45 साल, और ये हाथ का चिन्ह भी शायद 80-84 के अंदर हाथ आया था, पहले कांग्रेस का अलग चिन्ह था फिर हाथ आया इंदिरा कांग्रेस 80 के अंदर है ना, कांग्रेस अर्श और कांग्रेस आई, तो ये 80 की 45 साल पुरानी पार्टियां और सत्ता में रही है, देश की सत्ता इनके हाथ में रही, प्रदेश की सत्ता इनके हाथ में रही, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा, कोई गलती में अगर प्रधान प्रमुख आएगा तो वो ही निकल नाटगो हाथ में, और कोई ना अगर आके दियो कहते तो वो कहीं काम करो, क्या माने कह दियो क्या, अरे कहना तो पड़ी बैठे, और व्यवस्था परिवर्तन और कहीं है, व्यवस्था परिवर्तन यही है कि ईमानदारी से काम करो, मारी गाड़ी मगर चालनो है 3-4 दिन में सहन कर ले ओड़बा, 7वें दिन अगर कोई कह दियो कि कमीशन जोर ज्यादा चल गाड़ी नीचे उतर फाटो चल, ये तो व्यवस्था, और व्यवस्था कहीं पर तो कांग्रेस बीजेपी खाते मिल लो व्यवस्था कहीं पर भेड़ा हो जाए और वहाँ ले लो ठेका फैक्ट्रियाँ कर लो पैसा कूदो पाचा जाए और कर लो वोट। सुनो चैतराम जी सुनो एक मिनट रुको, कहते रहेंगे मेरी बात सुनो साहब के बट मैं टिकट बांटी बैठा कौन है, कांग्रेस बीजेपी का मोटा मोटा नेता कोई तो रात की मैंने कह गया साहब मांग टिकट, मतलब मैं ले वाला था टिकट, मन टिकट का चांस कम है तो मजबूत आदमी अपने किसानों के दलितों के, तो मैंने कहा ठीक है आप आपका ध्यान रखें हम भाई टिकट रोक लेंगे इसका एक बार, सब पार्टियां कर रही है वो इसको ज्वाइन करा रहा वो भी ने फेरा हुआ वो भी दुपट्टा पाचा फेरा देखो तो रोज ही चल रही, बीजेपी से टिकट कटा, मैं फोन करता हूँ आपका टिकट कट के आ रहे हो 2 दिन और रुक जाओ क्यों, क्या कांग्रेस में और नाम चले बीजेपी कट कांग्रेस में कट को अब 2 दिन पर जवाब दो ठापड़े पाची भाजपा जब पाचा निर्दलीय, अरे करो कहीं होता है तो बताओ यार बम ठाके हाथ में मऊ रही जो कौन साहब ये तो कहीं था रीस गणी आवे और ते हिसाब गणो लो बार बार गड़बड़ तो कौन करी तो वो तो लेना ही पड़ी आई तो व्यवस्था और कहीं मारे 3 MLA देख लो सरकार जब गिर रही थी इन 3 विधायकों को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया अमित शाह और अशोक गहलोत ने, ये गए नहीं मुझे छोड़ के जना 5 उम्मीदवार बनाया ना बनाया और बनाया 5 उम्मीदवार इन्होंने उस परीक्षा में खड़े उतरे इसलिए विधानसभा का चुनाव वापस ले, आपकी कृपा से मेड़ता और भोपालगढ़ के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी अच्छी स्थिति के अंदर है और आपका आशीर्वाद से जीत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं भी इनके वहां कार्यक्रम करूंगा। वैसे तो भोपालगढ़ मेड़ता क्यों सर, पिछली बार भी तीनों ने मेरा साथ दिया और 3 विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा मेरे साथ भेजे 3 विधानसभाओं ने, लो आउट भी है और अभी तो मैंने आपको बताया ना 25 से लेकर 50 है
जो मजबूत है। मैं तीन का इसलिए कह रहा हूँ कि एमएलए बैठे हैं तीनों यहाँ पे, जो बैठे हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। ये मजबूत इलाके हैं। मैं केवंचर के अंदर आपको इतने ही बोला दूंगा, कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह की बातें कहेंगे, कई लोग ये भी कह देंगे हनुमान जी धार ब्याह मुको ने नहीं आ पाया। सुनो, नहीं आ पाया, छोटा भाई आ गया था ना, तो छोटा भाई तो 24 घंटा आपकी सेवा में ही रहा, हो शादी ब्याह में ही रहा मेरा परिवार। कई मान लो मैं नहीं आ पाया, परिवार आया, लेकिन लोकसभा जब चली, विधानसभा चली, जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, जब सरकार को भगाना था, सरकार को घेरना था, उस वक्त इस राजस्थान से कोई योद्धा, कोई धरती पुत्र आया, वो हनुमान बेनीवाल था, जिस कौम जवान किसान की रखवाली कर रहा था। आपको एक ही बात कहनी, वो लड़ने के लिए उसको छोड़ रखा हमने, वो लड़ेगा, वो सत्ता के सिंहासन पर हमें लेके आएगा। बढ़िया बात करें और कोई मान लो पग पकड़े, कोई नहीं पकड़ा, लो पग में आदत है लोगों की, आजकल वीडियो वायरल हुए, देखो एक आदमी क्यों पग पकड़ लिया, मैं कि पग पकड़ लिया क्यों, मैं खुद फोटो खींच लिया, मैं क्यों कहीं गलत काम कर रहे थे, खुद फोटो खींच बापड़ो पकड़ लिया, बोला पग कोई जरूरत पग पकड़ लिया थे, मैं क्यों कहीं धंधो करो, क्या मैं थोड़ा पग पकड़िया नहीं नट दिए पाचो मन के, वो काम थे ही कर लो, मैं क्यों, मैं कहीं करूँ, क्या वजह कहेंगे रिकॉर्डिंग कर लो और फिर बताओगे मारा, मैं क्यों मारूंगा धंधा कौन है भाई, थे ही करो थाने मोबाइल पकड़ ले। वो लोग कई नाटकबाज है, नाटक भी करी, बातें करी, कई चीतें करी, अपन बढ़िया चाय पानी पानी है, कोई भूखो वज मैंने खाणो खुआ करे, पर बोट कट देनो है। ये बात को ध्यान रखना कि बोट हनुमान बेनीवाल को देना है, बोतल का चिन्ह। और क्यों सर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है, राज